ऊपर मैंने मीडिया को बुलाया है इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर उल्टे सीधे जो वीडियो उल्टे सीधे बना बना के नितिन गुप्ता ने डाले हैं और मेरे को फंसाने की कोशिश की है, उसके बेस पे मैंने न्यूज चैनल वाले को बुलाया है। हकीकत क्या है ये मैं ही आपको बता सकता हूँ, जबकि नितिन गुप्ता इसका फायदा उठा रहे हैं और कोई दूसरा उनको सपोर्ट कर रहा है जो अनिल खस्तूरी नाम का शख्स है। मैं सन 1992 या 93 में बम्बई आया था, तब मैं बॉम्बे सेंटर में मेरी मदर वगैरह रहती थी और मेरी बुआ वगैरह रहती थी, तो रेलवे कॉलोनी थी उधर मेरी मदर ने मेरे को रूम भाड़े पे दिलवाया था। जब मैं उधर रहने लगा तो मेरा काम जो मेरा फैशन डिजाइनिंग का प्रिलिंग का काम था वो अच्छा खासा चलने लगा। उसके बाद अपने मैं अपने बीवी बच्चों को लेके और अपनी साली को लेके सीधे बॉम्बे सेंटर शिफ्ट हो गया। ये करीब 1992-93 की बात है। जब मेरा काम धंधा अच्छा चलने लगा तो मेरी साली 4 बंगला अर्बन सोसाइटी है आरटीओ रोड पे उधर रहने लगती, तो मैं मेरा आना जाना लगा रहता था। तो उस पीरियड में मेरी मुलाकात शुभकरण वर्मा से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, उन्होंने मिलते रहे जुलते रहे, आखिर में आके उन्होंने मेरे से यही बोला था कि थोड़ा मेरे को परेशानी है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने की हेल्प क्या है आपकी, ऐसी क्या परेशानी है, उनसे मिलना जुलना रहा एक साथ बैठना, और फिर उसके बावजूद उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि मेरा ये टेलीफोन एक्सचेंज माड़ा में 156 नंबर बंगला मेरा है जो शुभकरण वर्मा के नाम से है, उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, उन्होंने मैंने उनको 20,000 रुपये पहले उधार दिए, तब उन्होंने कहा मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा मेरे पेपर आप देख लीजिए। जब मैंने उनके पेपर चेक करवाए, पेपर देखे उनके, तो उन्होंने मेरे को दिखाने के बाद ही पेपर दिखाने के बाद उन्होंने मेरे से 20 लाख रुपये लिए। मैंने उनसे कहा था मेरा इनका इंटरेस्ट चलेगा, तो उन्होंने खुद बोला था कि मैं इसका आपको इनका परसेंट भी दूंगा। मैंने ये नहीं बोला था कितना परसेंट देंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो ये चलता रहा। जब उनको देने की परेशानी में थोड़ा आने लगी तो मैंने भी शुभकरण वर्मा से बोला, 2000 तक मेरी शुभकरण वर्मा से मुलाकात होती रही, मैंने उनसे पैसे मांगने की बोला उनसे, तो उन्होंने कहा मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। तब वो मेरे को बोलते रहे और कहते रहे, उन पर इंतजाम नहीं हो पाया। उन्होंने जब मेरे को पावर हटोनी और पूरा सब कुछ पेपर वेपर ओरिजिनल मेरे हाथ में दे दी थी, तो मैं उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, ना ही कुछ, उनसे पूछ के ही मैंने सब कुछ करा था कि मेरे अपने पैसे चाहिए मेरे को। उस पीरियड में मेरी मिसेस की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि डायग्नोसिस कराना था, उनको बीमारी थी ब्लड शुगर की, डायबिटीज की, तो उस चक्कर में मैं लगा रहता था। तो 2000 के बाद शुभकरण वर्मा मेरे को कहीं नहीं मिले, बहुत देखा उल्लासनगर में पता करा, तब उनकी कोई मेरे को पता नहीं मिल पाया। हार के जब मैंने उनको परेशान हो गया, परेशान होने के बावजूद ही मैंने मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि दूसरों को पेमेंट कहाँ से करूँ मैं, क्योंकि एक तो मिसेस की तबीयत खराब है, तो बच्चों को देखना अकेला आदमी मैं ही करता था पूरा। जब मेरी मुलाकात 2017 में रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से हुई, तब उनको मैंने लोखंडवाला में अपना फ्लैट भाड़े पे दिया था। उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं परेशानी में चला, उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या परेशानी चल रही है, क्या बात है क्या नहीं है, ऐसा कुछ गुम सुम सा रहता है। मैंने ऐसे ऐसे मेरी मिसेस की तबीयत खराब रहती है और ऐसे ऐसे परेशानी है और ये है, उसके चक्कर में मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है, लोग बात कर्ज मांग रहे हैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। तब उनसे मैंने कुछ पैसे लिए, थोड़ा बहुतों के कर्जे वर्जे धीरे धीरे देने स्टार्ट करे मैंने, तो आखिर में आके अनिल खस्तूरी ने इस बंगले को भाड़े पर उठाने के लिए मेरा प्रोसीजर रखा, तो प्रोसीजर में बोला था कि बंगला भाड़े पर उठा देते हैं और उठाने के बावजूद जो भी आएगा तो आप धीरे धीरे देख लेना।
उस पीरियड में अनिल कस्तूरी ने ये बंगला बंगले से 400 बीसी करना स्टार्ट कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए का गबन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी बीवी के उसमें ही लगा हुआ था। जब मेरे को पता चला तब जाके पहुंचा तो तब देखा मैंने तो अनिल कस्तूरी अपना सामान सटा समेट के सीधा निकल चुका था। जब अब मैंने अपने एक बंगला नंबर 156 में जब मैंने मांगूंगा और जो कंप्लेंट है वो सब पहले भी डाल चुका हूँ, अब भी डालूंगा, उनसे अपनी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से। आपने बोला कि वो मैसेज करते हैं आपको, और वीडियो की बात भी आपने की, तो उस बारे में डिटेल बताएंगे किस तरह? मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं करा, उन्होंने वीडियो जो बनवाए थे मेरे यूट्यूब के चैनल द्वारा, जो यूट्यूब के चैनल द्वारा बनाए थे, तो उन्होंने मेरे पर खुद भेजे थे मैसेज। में मैं अपने काम से अपने गांव गया था तो वो बोला कि कहाँ तक दुबकेगा, या तो तू मेरे से मिल या मेरे से कंप्रोमाइज कर तो शायद मैं तेरे को बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी पावर है। मेरा देवेंद्र फंड जो माननीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फंड, इसके फोटो वोटो दिखाए, ये सब कुछ वो पूरे दिखाता फिर रहा है कि मेरी बड़ी बड़ी ऊंची पहुंच है, मैं भाजपा का बहुत बड़ा नेता हूँ, ये सब वो अपना ये स्टेटमेंट दिखाता रहता है। लोगों से बहुत फॉर्जरी करी है, किसी को गन पॉइंट पे लेके पैसे वगैरह भी, इसकी रिपोर्ट निकाली तो उसको अंधेरी पुलिस स्टेशन बरसोबा में भी इसका भी वो केस वगैरह है इसके, और एक किसी की गाड़ी बेची है 30-35 लाख रुपए में, गाड़ी का एक दोस्त की गाड़ी थी किसी की, तो उसको भी इसने बेचवाच दिया, उसका भी केस चल रहा है, और इसने बहुतों को परेशान करा है, क्योंकि ये छोटे दुकानदारों से अपना ही खर्चा पानी और उसके घर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, और ना ही ये कोई फिक्स पार्टी का कोई ऐसा बताता नहीं है।